जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 32वें दिन यानी 4 सितंबर 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। लो शुभ शुभ हेम नमः पंच परमेश्वर भक्त प्रसन्न तो पाप खंड खंड भट भट माधव सिगुणनाश नमः तद भक्ति प्रसाद सज्जा दिवस सदराज प्रधान संतना शांति कुरुष ओम चत्तारी मंगलम तामंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पड़त्व दमंगलम चत्तारी लोकोत्तम अंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केली पड़त्व दम लोकोत्तम चत्तारी शरण पब्बज्जा मेरंते शरण पब्बज्जा ओम चाम चीम चूम चेम शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। अरे भक्ति का सागर, भक्ति का सागर, भक्ति का सागर मन में। के बाद आरिका रत्न श्री विधा श्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनीय आरिका विद्या श्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, अपना यहाँ पर चल रहा है कि अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। आज यह प्रकरण चलेगा। नज्ञो विज्ञते मायाति विज्ञो न गतमिच्छति निमित्रमात्मनस्तु गति धर्मास्तिकायव। कहते हैं कि हे भाई, जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वे उनको किसी गुरु के द्वारा उन्हें ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। और जो ज्ञानी है उन्हें दूसरे गुरु के द्वारा अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। ये दोनों ज्ञानी और अज्ञानियों के लिए गुरु तो धर्मास्तिकायवत धर्मास्तिकाय के समान निमित्त मात हैं। जैसे धर्मद्रव गई पर्याण धम्मो, माने जैसे जीव और पुद्गल को गति करने में धर्मदेव निमित्त होता है, जैसे चलती हुई मछली को वह चलने में सहायक होता है। भाई शांति रखो, सहायक होता है, ऐसे ही धर्मद्रव सहायक होता है। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। जो तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान की उत्पत्ति है, वह जो तत्वज्ञान के अयोग्य है, अभव्य है, उसे कितने ही हजारों उपदेश दिए जाएं, फिर भी वह अज्ञानी नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रत्येक का उसी माने प्रत्येक कार्य का प्रयत्न उसी के लिए किया जाता है जिसमें योग्यता हो। योग्यता की अपेक्षा देखी जाती है। बगला हो, सैकड़ों उपाय करो, लेकिन बगला को कभी तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता है। कितने ही दुर्योधन को कितना ने समझाया, न्यायी भी अन्यायी हो गए, लेकिन उसे समझा नहीं पाए। तो कहते हैं अज्ञानी को कभी ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। सौ उसके भाई थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सबने समझाया, लेकिन उसने अन्याय को नहीं छोड़ पाया। तो वे ही भी न्यायी भी अन्यायी हो गए उसकी संगति से।
तो कहते निमित्त मात्र, एक निमित्त मिलने पर वैसा ही हो जाता। पानी तो एक सा बरसता है, नींबू में जाता है तो खट्टा हो जाता है, आंवले में जाता है तो कसायला हो जाता है, और मौसमी में जाता है तो मीठा हो जाता है, और नीम में जाए तो कड़वा हो जाता। पानी तो एक ही है, जैसा निमित्त मिलता है वैसा परिणमित हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। जो तत्वज्ञानी हैं वे तत्वज्ञान को छोड़कर कभी भी अज्ञानियों की संगति कितनी भी पड़ जाए लेकिन वह अज्ञानी नहीं बन सकता है। कितने भी पड़ जाए, सोना कीचड़ में भी पड़ा हो चाहे कहीं भी पड़ा हो, वह अपने चमक को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही चाहे भय को, भय से सारी दुनिया घबरा जाए, अपना मार्ग छोड़ दे, विचलित हो जाए, इधर उधर भागने लगे, लेकिन सम्यक दृष्टि जो शांत अखंड स्वभाव को जानने वाला है, अपने आत्मा का अनुभव करने वाला है, उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। विचार करो सही, जब जम्बू स्वामी को वैराग हुआ तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ मुझे वैराग हुआ है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो माँ सोचती थी कि जे इसे ग्रस्त बना दें तो जे दीक्षा मिच्छा की बातें सब भूल जाएगा। अब 12 साल के जम्बू स्वामी, और उनसे कहा कि माँ ने बहुत प्रयत्न किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका कहना मानेंगे, लेकिन शादी करते ही दीक्षा ले लेंगे। बोले ठीक है, तुम शादी तो कर लो, फिर जो करना चाहो सो कर लेना, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। समझते थे कि जे फंस जाएंगे तो फिर ये निकल नहीं पाएंगे। चार चार औरतों से उनने शादी करवाई, उनकी चार कन्याओं से शादी करवाई, और रात भर राग की और बैराग का युद्ध होता रहा। लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि दोनों के युद्ध के साथ राग के अंगारे भी उन्हें छू नहीं पाए। उस बैराग की विजय हुई, जैसे ही प्रातः काल हुआ वहाँ विद्युत चोर भी, उसने देखा अरे यहाँ तो बहुत वैभव जा रहा है, 500 डाकुओं का गिरोह था विद्युत चोर का। उसने कहा चलो ये लूट के लाएंगे तो अपन बहुत माला माल हो जाएंगे। उसने भी बारात का पीछा कर लिया, तो वो भी रात में सोच रहा है कि ये क्या बातें हो रही हैं, सुने तो सही। अब वो कान लगा के सुन रहा था, इतने में माँ आई। माँ को तो नींद नहीं आ रही थी कि सवेरे होते ही ये दीक्षा ले लेगा। तो माँ से कहा कौन हो आप? बोले हम बाद में बताएंगे कि हम कौन हैं, पहले ये बताओ कि इसके अंदर कौन है, कमरे के अंदर। बोले हमारा पुत्र है और चार बहुएं हैं, अगर वह राग में नहीं रंगा तो प्रातः होते ही ये दीक्षा ले लेगा। प्रातः हुआ और चारों बहुएं ने, उसने कह रखा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम अपनी बैराग को छोड़ देंगे, और अगर नहीं जीते तो तुम्हें भी दीक्षा लेना पड़ेगी। तो चारों बहुओं ने दीक्षा ले ली और दीक्षा के लिए तैयार, और जम्बू स्वामी भी तैयार, और जो विद्युत चोर जो चोरी करने आया था वो सोच रहा था हम तो इन्हें लूटने आए थे, ये तो सब लुटा के जा रहे हैं, जब ये लुटा के जा रहे तो हमें भी बैराग हो गया। तो उनने 500 चोरों के साथ उनने भी दीक्षा ले ली। तो कहते हैं जो अच्छा, अगर बैराग पूर्ण, अगर ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, जिसके बैराग उत्पन्न हुआ है
उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसके परिणामों में बैराग उत्पन्न हुआ है उसे दीक्षा से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा निमित्त और उपादान की चर्चा कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। महायोगी तीन धारिया दिनाश सामने स्थापनम ओम। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। की जय। महानुभाव, अपन स्वरोदय से चल रही थी। स्वर उदय वो कला है जो व्यक्ति को इस पूरे जग के परिचय के साथ अपने आत्मा का परिचय देता है। महानुभाव, उस स्वरोदय के पिंडस्थ में अपन ने पांच धारणाओं को पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश धारणाओं को समझा। उसके बाद अपन ने धर्म ध्यान के चार पायदानों को छुआ। अब उसी संस्थान में मैं रूपस्थ पिंडस्थ रूपस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत। रूपस्थ ध्यान में हम अरंत भगवान का चिंतन करते हैं, 12 सभाओं का चिंतन करते हैं। पहली सभा में मुनि आदि बैठे हैं, दूसरी सभा में भवन कल्पवासी देवियां हैं, तीसरी सभा में आर्का श्राव श्रावका हैं, चौथी सभा में भवनवास व्यंतरादि देवियां हैं, पांचवी में ज्योतिष आदि देवियां हैं, छठे में भवनवासी देवियां हैं, सातवें में भवनवासी देव हैं, आठवें में व्यंतरादि देव में, नौवीं में ज्योतिष आदि देव हैं, दसवें में त्रेंच आदि हैं और 11वें में चक्रवर्ती। ऐसी 12 सभाओं में 12 सभा लगी हुई हैं। उसके बीच में अनंत भगवान बैठे हैं। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर क्या है, कैसे प्राप्त होता है? आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपको अनंत दर्शन की प्राप्ति ओम बीज अक्षर के ध्यान से होगी और अनंत ज्ञान की रहीम बीजाक्षर से होगी। अनंत सुख की प्राप्ति आपको श्रीम बीजाक्षर की होगी और अनंत वीर की प्राप्ति आपको किलिम बीजाक्षर की होगी। ऐसे चार बीजाक्षरों के बीच जो आरंभ का ध्यान करता है उसकी आत्मा से पाप दूर भाग जाते हैं। महानुभाव, रूपस्थ ध्यान के इस पाय को अपन ध्यान कर करके अपने को आपको अनंत समझ करके जब ध्यान करते हैं तो हमारे आत्मा में वह विद्युत वह कर्म को खत्म करने वाली शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो हमारी आत्मा को पावन कर देती है। इस भावना के साथ कल रूपातीत ध्यान को अपन ध्यायेंगे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। व्याधिनाश्रम शुरा सुरेंद्र सहिता श्री पांडव नव सस्ता श्री चंद्र प्रभ तीतेशम चंद्रो ज्वालम कुरु गुरु श्री चंद्र प्रभ विधेयम समता श्रद्ध पलपर्दा भाव आदि स्नानी मेव रक्तदा ओम ह्रीम चंदा प्रभु जनंदा जलादि अनुपम ती स्वाह प्राम सदा कर्णी अर्घद संघ सर्वोद्धव शांति श्री शांतिनाथ जनंद जलादि अनुपम ती स्वाह ओम ह्रीम श्री मुनसोभित जिननाथा चरण नाओ माता चरणन अर्घ चढ़ाता तुम ही भाग्य विधाता ओम ह्री श्री मुनसोभिनाथ जिन चरणा अर्घ चढ़ाता कर्म काट मुक्ति मुझ नहीं मीना चरणा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। छठी आरती प्रतिमा धारी शाम संध्या करके आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए। हम आए प्रभु द्वारे झूम छना नना। हम आए प्रभु द्वारे झूम छना नना झूम छना नना 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 ओ जगमग जगमग दीप जलाए आरती करता हो। ओ गुरु माँ हम सब उतारे
भई थी माता। नगरी में है उत्सव छाया, नगरी में है उत्सव छाया, हम सब मिलकर गाएं माता। तुम हो तारण वाली, दुखियों के दुख हारी, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरु माँ, हम सब उतारे तेरी आरती। डगमग डोले हे बटिया, तुम हो सब जग के, सब जयकारा बोले, सब जयकारा बोले। गुरमा तुम सान कोई सानी, तुम हो गुरु ने भी ज्ञानी, भक्ति करे नित आपकी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, जय जिनेंद्र।